हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले देखते हैं एक बार कौन कौन से आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये यहाँ पे साइड में जो छोटा एडिटोरियल है, ये आर्टिकल बेसिकली आया है कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, तो भाई उनके ऊपर कई बार क्या है कि करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं, कई बार वो गलत ढंग से काम नहीं करते हैं उसके बावजूद भी, तो उसके बारे में प्रोटेक्शन की बातों की जा रही है। बेसिकली जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है उसमें भी अमेंडमेंट किए गए थे, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर डिस्कस वो किया गया। तो इस आर्टिकल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन को डिस्कस किया गया, तो एक बार इसके पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके साथ ही जो अहम आर्टिकल हमारा यह साइड में जो एडिटोरियल है, ये आर्टिकल आया है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। इस आर्टिकल में थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बताया गया कि भाई वहाँ पे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, किसकी वहाँ पे चल रही है, क्या क्या थोड़ा इश्यूज़ वगैरह, तो एक बार थोड़ा मोटा मोटा हम कंटेक्स्ट देख लेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो पता तो हो कि हमें वहाँ पे क्या चल रहा है। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, तो नीचे यहाँ पे जो ये आर्टिकल आया है, ये बड़े वाला आर्टिकल, ये बेसिकली आया है यहाँ पे, काफ़ी इसमें डायमेंशन दी गई हैं। इसमें हमें बताया गया कि हमारी जो जुडिशरी है उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही बताया गया कि हमारे जो कई बार हम जो मॉब लिंचिंग जैसे केसेस होते हैं, या फिर इसके अलावा हमारी सोसाइटी के अंदर कई तरह की रिफॉर्म वगैरह की बात यहाँ पे की गई है। तो काफ़ी सारे डायमेंशन की गई हैं, सोसाइटी के लिए आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल बेसिकली आया है आइडिया और वोडाफोन के मर्जर को लेके। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि अभी देखो इसको गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति है वो मिल चुकी है, तो इसके बाद इससे क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आने वाले हैं वो हम एक बार दो चार पॉइंट्स के तरीके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो ये आर्टिकल आया है, ये आया है एक्चुअली सबरीमाला टेम्पल के में वुमेन की एंट्री को लेके। तो देखो इस आर्टिकल में वैसे तो कुछ नए पॉइंट है नहीं, हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिए हैं, बट एक बार फिर भी आपको देता हूँ। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो मंदिर है वो किसी का प्राइवेट प्लेस नहीं है, तो आप वहाँ पे ही नहीं कर सकते कि वुमेन को अलाउ नहीं है, इसको अलाउ नहीं है, तो एक तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। दूसरी बात फंडामेंटल राइट की बात आती है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले कि भाई फंडामेंटल राइट के समय ये चीज़ की पावर देते हैं कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे हम जा सकते हैं, वहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, और भगवान के पास जिससे भी मतलब भगवान के प्रे वगैरह करनी हो तो उसके लिए कोई भी धर्म जाति के आधार पर भेदभाव वगैरह नहीं किया जा सकता। इसलिए सबरीमाला टेम्पल में वुमेन की एंट्री है वो अलाउ होनी चाहिए। ये बारे में हमने काफ़ी बार ये पॉइंट्स हैं डिस्कस किए। तो यहाँ पे एक राइटर एक नई डायमेंशन बता रहे हैं। राइटर का देखो ये कहना है कि देखो जिस टाइम पे टेम्पल बना था उस टाइम की देखो सिचुएशन अलग थी। उस टाइम पे ये माना जाता था, उस टाइम पे जो आप बोल सकते हो कि सैनिटरी पैड वगैरह थी, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, इसलिए वुमेन को हाइजेनिक के इश्यूज के तौर पर वुमेन में एंट्री नहीं दी जाती थी। चलो एक बार मान भी लेंगे उस टाइम के लिए वैसा ही रूल था, बट अगर आज के टाइम पर देखें तो हाइजेनिक का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतनी सफाई वगैरह उसको प्रमोट किया जा रहा है, इसके साथ ही सैनिटरी पैड्स वगैरह का यूज किया जा रहा है। तो मंदिर में ये लॉजिक देना आज के टाइम पे कि नहीं भाई हाइजीन नहीं है, उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड है इसलिए वो मंदिर में नहीं जा सकती, ये लॉजिक कहीं ना कहीं इनवैलिड है, और ये आज के टाइम पे या आज के ईरा में हमारे लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं बैठता है। ये बेसिकली इस आर्टिकल में दो पॉइंट है वो बताए गए जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ये आर्टिकल फिर इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बताया गया है, तो इसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों के बीच में जो वीजा रेजिम है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया, तो थोड़ा देखेंगे कि भाई क्या हालात चल रहे हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे नीचे, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है एक्चुअली इंडिया ईरान के रिलेशन को लेकर, और इसमें यूएसए की डायमेंशन थोड़ी डिस्कस है वो की गई है, इसको भी हम देख लेंगे थोड़ा। तो ये है जो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम एक्चुअली इसी आर्टिकल के पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। देखो ज़्यादा पॉइंट्स इसमें है नहीं कि आप दो तीन पॉइंट्स हैं, तो आप उनके नोट लेना, बाकी के नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं वो डिस्कशन में हो जाएंगे। तो जो ये सबसे पहले जो आर्टिकल आया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसमें दो चार पॉइंट्स आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या अभी संशोधन है वो किया गया है, क्योंकि जो ये 1988 में जो बनाया गया था एक्ट, इसमें अभी काफ़ी संशोधन किए हैं। तो लोकसभा ने भी इसको अनुमति दे दी है, राज्यसभा ने भी इसको अनुमति दे दी है, अब बस प्रेसिडेंट के एसेप्ट मिलना जरूरी है और इसके बाद में काम है वो डन हो जाएगा। तो इसमें राइटर थोड़ा पहले ये बता रहे हैं कि देखो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं मतलब आईएएस ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको एक्चुअली कहीं ना कहीं अगर इनकी देखो कई बार क्या होता है जो आईएएस वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं कि अपने जो भी पावर वगैरह होता है इसका सही डायमेंशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब अच्छे काम के लिए क्या अपना योगदान देते हैं, बट गलती से काम गलत हो जाता है। मतलब इरादे तो इनके अच्छे होते हैं, नेक इरादों के लिए किसी काम को करते हैं, बट कई बार क्या है काम गलत हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ब्यूरोक्रेट होते हैं इनके ऊपर एक इंक्वायरी बैठती है, मतलब जाँच होती है, तो कहीं ना कहीं वो इनकी मेंटेबिलिटी को इफेक्ट करती है और इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाता है, तो उस वजह से क्या वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। अब देखो ऑब्वियसली अगर इंक्वायरी बैठ रही है तो सबको खतरा तो रहेगा ही ना कि यार कहीं ना कहीं इश्यूज़
सकते हैं, तो इसीलिए यार हो सकता है कि जो अपोजिशन वाली पार्टी हो मतलब कहीं ना कहीं चीज़ का पॉलिटिकल फायदा भी उठाया जा सकता है। इससे नुकसान ये होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, उनमें एक चीज़ की कमी हो जाती है, वो उनको डर ये लगता है कि अगर हम काम तो कर रहे हैं बट हमें लग रहा है कि हमने अगर कोई भी डिसीजन लिया तो हमारा अगर कोई भी मतलब हमने डिसीजन लिया और उसके बाद कोई भी काम हुआ अगर वो गलत हो गया तो हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। तो पता है इससे क्या होता है, इससे एक दिक्कत ये आती है फिर जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना काम टालते रहते हैं कि हाँ ठीक है रिलेटिव अथॉरिटी है वो जब परमिशन देगी तब हम करेंगे, मतलब एक तरीके से टाला मटोल वाला काम होता है कि जैसे हम जाते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफिस में तो क्या होता है नहीं नहीं यार ये साहब नहीं है ये तो उनके द्वारा काम होगा ये उनके द्वारा, क्यों? क्योंकि कोई भी अपने ऊपर हेडेक नहीं लेना चाहता, सबको ये डर लगता है कि अगर मैंने ऐसे एक्शन ले ली तो अगर कल कुछ भी गलत होगा तो कार्रवाई होगी तो मेरे ऊपर होगी तो मेरी जॉब चली जाएगी या मेरा जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि हमारे देश में आप एक तरीके से बोलें तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना इनकी डिसीजन मेकिंग पावर वो खत्म होती जा रही थी, मतलब ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इनको डर लग रहा था कि अगर हमने कोई भी डिसीजन लिया अगर वो गलती से भी गलत हो गया मतलब हमारे इरादे सही हैं उसके बाद भी अगर वो काम गलत हो गया तो हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और हमारा एक सरदर्द है वो बन जाएगा। तो इसीलिए इसमें अमेंडमेंट है वो किया गया है, तो इस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर भाई इरादे सही हैं तो उस कंडीशन में देखा जाएगा कोई सेसू तो नहीं है एथिकल वगैरह उसके आधार पे फिर उसको मतलब एक तरह से कार्रवाई वगैरह वो नहीं की जाएगी। इसके साथ इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जिस इंसान ने ब्राइब या रिश्वत दी है वो भी यहाँ पे सजा का हकदार होगा। पहले यह प्रावधान था कि जिस इंसान ने रिश्वत ली है उसको सजा मिलती थी, बट अब यह प्रावधान किया गया है जिस इंसान ने रिश्वत दी है उसको भी सजा होने वाली है। अब देखो इसमें एक बात यह भी है, इसमें कुछ लोगों को छूट दी गई है, जैसे कई बार क्या होता है कि किसी इंसान पे इतना प्रेशर होता है कि उसे मजबूरी में ही रिश्वत वगैरह देनी होती है, तो उसके लिए छूट ये की गई है कि भाई उसको विद इन वन वीक, जैसे उसने आज रिश्वत दी है तो उसके विद इन वन मतलब 7 दिन के अंदर अंदर उसे इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करनी होगी कि भाई मैंने इस अथॉरिटी को एक तरीके से रिश्वत वगैरह दी है, ऐसे ऐसे काम था मजबूरी थी, ये जो भी मतलब अपने इश्यूज है वो यहाँ पे बताने होंगे। अगर वो नहीं इनको कंप्लेन करते हैं उसके बाद कोई थर्ड पर्सन को पता चल जाता है और वो कंप्लेन करता है तो जिस इंसान ने रिश्वत दी है उसके ऊपर उसको भी सजा है वो यहाँ पे होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे बात होगी कि तो देखो राइटर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन को और ज़्यादा टाइट करने की बात हो की जा रही है कि भाई गवर्नमेंट है वो रूल रेगुलेशन और ज़्यादा टाइट करेगी तो इससे कुछ ना कुछ रिफॉर्म है वो आ जाएंगे। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन इसमें गवर्नमेंट ने एक दो और चीज़ें लेके आई है, जैसे गवर्नमेंट ने एक नेगेटिव यहाँ पे ये रोल किया है कि विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन से कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो राइटर ये चीज़ कह रहे हैं कि देखो ये चीज़ गलत है, क्यों गलत है? राइटर का ऐसा कहना है कि देखो जिस इंसान के इरादे से उसको तो डरना ही नहीं चाहिए कि हाँ ठीक है उसने तो सही काम किया था तो उसके ऊपर तो आपने अच्छा काम किया है, बट कई बार क्या होता है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं लालचवश या कोई नहीं किसी कारणों से अगर वो गलत काम करते हैं तो उनको तो सजा होनी चाहिए ना। अगर उनके ऊपर ये जरूरी थोड़ी कि गवर्नमेंट जब उनको अनुमति देगी भाई इन पे कार्रवाई हो तभी कार्रवाई हो, अगर गवर्नमेंट अनुमति देगी नहीं फिर तो कि भाई अपने ऑफिसर्स पे कार्रवाई क्यों होगी, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बचाव करेगी तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं मिसयूज है वो हो सकता है। फिर राइटर ये कह रहे हैं कि देखो और भी तरह के रिफॉर्म है वो हमें हमारी सोसाइटी में लेके आने हैं, जैसे यहाँ पे बात की गई विसल ब्लोअर बिल के बारे में बताया गया है कि जो विसल ब्लोअर एक्ट आया था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं विसल ब्लोअर को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके बाद में बात की जाए कि लोकपाल की बात थी, लोकपाल को आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो उन चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट को फोकस है वो करना चाहिए, अकेले इसी काम से सॉल्यूशंस नहीं होने वाले हैं। लास्ट में ही बात की गई वे फोर्ड में कि हमें एक बिग चेंजेस की एक बिग रिवॉल्यूशन की जरूरत है ताकि हम प्रॉपर ढंग से करप्शन के खिलाफ है वो लड़ सकें। तो ये इस आर्टिकल के 2-4 पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे देख लिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट जो छोटे वाला आर्टिकल के बाद इसको देख लेते हैं यहाँ पे जो है आइडिया और वोडाफोन के मर्जर के बारे में। तो देखो आइडिया और वोडाफोन के मर्जर की बात यहाँ पे की गई है कि अभी इसको अनुमति है वो दे दी गई है। अब हमारे लिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि इससे फायदा क्या होगा हमें बस वही पता होना चाहिए, बाकी वो नुकसान है वो भी एक बार हम थोड़े देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार देखो ऐसे डायमेंशन यूपीसी पूछ लेती है। जब आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ तो इससे एक तो बेनिफिट ये होने वाला है कि दोनों कंपनीज हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगी, तो इससे क्या है कि सर्विस क्वालिटी बहुत बेहतर मिलेगी भी, आइडिया और वोडाफोन की नेटवर्क क्वालिटी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो इससे एक अहम पार्टी होने वाला है कि जो डिजिटल रिवोल्यूशन की बात की जा रही थी हमारे देश में उसमें काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट होगा। जिस तरीके से हम बात करें देखो जियो जब आया था तो आपको पता है एक तरीके से क्रांति आ गई थी, लोगों को एक तरीके से फ्री में इंटरनेट सा मिलने लग गया था, और आज के टाइम पे देखा जाए तो इंटरनेट बहुत सस्ता है, जबकि जियो से पहले क्या होता था इंटरनेट बहुत महंगा होता था, लगभग 200-250-300-400 रुपये हमें 1 GB के लिए खर्च करने होते थे, जबकि आज के टाइम पे काफ़ी सस्ता हमें मिल रहा है। इसका बेनिफिट आओ और भी डायमेंशन देख सकते हो, देखो आज अगर आप जो यूट्यूब पे चैनल देख यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और भी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो ऑब्वियसली इसी की बदौलत कर रहे हो क्योंकि आपको इंटरनेट की एक्सेस है वो मिल रही है, तो इससे काफ़ी हद तक बेनिफिट होता है। इससे हमारी एजुकेशन लाइफ है उसको भी बेनिफिट होता है, हमारी सोशल लाइफ से भी हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं, न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं, मतलब हमें बहुत तरह के डायमेंशंस यहाँ पे ऐड है वो कर सकते हैं बेनिफिट में। तो एक सीधा सीधा मतलब बोलूँ कि डिजिटल रिवॉल्यूशन है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ है, तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है
वो आ जाता है। इसके बाद में अहम बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा। देखो जब बड़ी बड़ी कंपनियां सामने आएंगी तो ऑब्वियसली उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, तो कस्टमर के लिए तो फायदा ही है ना। ऑब्वियसली वो एक एक दूसरे को मतलब कम्पीट करने के लिए, हराने के लिए क्या करेंगी, अच्छे से प्लान लेके आएंगे सस्ते, तो इससे कस्टमर को फायदा होने वाला है। तो अगर कस्टमर को फायदा होगा तो ऑल ओवर मतलब हमें देखा जाए तो हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट है वो आने वाला है। मतलब हमारी सोशल लाइफ है वो अच्छी होगी, इसके साथ हम लोगों से कनेक्ट होंगे और ग्लोबल लेवल पर हम चीज़ों को हमें पता चलने लगेगा। इसके बाद में बात करें कि कंज्यूमर को फायदा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो कस्टमर फ्रेंडली माहौल बन जाएगा, जब कंपटीशन बढ़ रहा है ऑब्वियसली तो कस्टमर को तो फायदा होना ही होना है। इसके बाद में बात करें कि हमारे देश की जीडीपी में भी ग्रोथ होने वाली है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी, और लोगों को एक सबसे अहम काम के अवेयरनेस फैलेगी लोगों में, लोगों को पता चलेगा कि अभी हो क्या रहा है। अदरवाइज लोग क्या होता था कि जो रियल गवर्नमेंट वगैरह उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पाते थे, बट आज के टाइम पे जब यूट्यूब जैसी फैसिलिटीज़ हैं या फिर और भी तरह के देख सकते हो चीज़ें, जैसे कि जो ऑनलाइन रेडियो वगैरह आ गई, ऐसी सारी चीज़ें आ गई, तो उनसे क्या हम लोग कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, उन पूरे इंडिया से आप बोल सकते हो, तो हमें पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा, कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे काम है। तो इससे हमें काफ़ी सारी डायमेंशन मिलती है, हमें एक अवेयरनेस का आइडिया मिलता है कि यार ऐसे ऐसे गवर्नमेंट कर रही है, ये चीज़ें गलत हैं, ये सही है, हमें तो पता ही नहीं था। तो इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। बात करें नेगेटिव की, तो देखो नेगेटिव के नज़रिए से तो बहुत कम ही पॉइंट है, बट नेगेटिव भी ऑब्वियसली हैं। नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो साइबर क्राइम का खतरा वो यहाँ पे बढ़ जाता है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि साइबर क्राइम जैसे खतरे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि देखो जो स्पेक्ट्रम वाला इशू है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, क्योंकि जो कंपनी है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि देखो भाई हमें स्पेक्ट्रम बहुत महंगा मिल रहा है और हम दे रहे हैं बहुत सस्ते में सर्विस दे रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो कंपनियाँ चाहती हैं कि भाई गवर्नमेंट उनको स्पेक्ट्रम थोड़ा सस्ता दे। इसके बाद में एक बात यह है कि जो कोस्ट स्पेक्ट्रम की कोस्ट प्राइस वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी लागत ही नहीं वसूल हो रही है कंपनियों से, इसलिए वो घाटे में जा रही हैं, तो इससे कंपनी बंद हो सकती हैं। और अगर छोटी छोटी कंपनियां बंद होगी तो इससे कंपटीशन खत्म हो जाएगा। देखो जब बड़ी कंपनी बच गई एक और छोटी कंपनियां खत्म हो जाएंगी उसके सामने, तो इससे नुकसान क्या हो जाएगा, इससे सबसे बड़ा नुकसान ही होगा, फिर उस बड़ी वाली कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी, जैसे वो चाहेगी उसी तरीके से वो अपने आप को डील है वो करने लग जाएगी, तो मोनोपोली एक नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली ये इसके बारे में आर्टिकल में कंप्लीट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया पाकिस्तान के बारे में है, कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा यहाँ पे बताया गया है कि देखो वहाँ पे बात करें अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, तो वो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आर्मी और जुडिशरी दोनों मिला के कर रही हैं, जैसा वहाँ पे आर्मी और जुडिशरी चाहती हैं वैसा ही होता है। तो ये बात यहाँ पे बताया गया कि देखो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, वो इलेक्शन भी खैर वहाँ पे आर्मी और जो जुडिशरी है उन दोनों ने मिलकर करवाए थे, वो चाहते थे कि उनके जो पार्टी है उनके जो उनको सपोर्ट करे आर्मी को वो पार्टी वहाँ पे सत्ता में आए, इसीलिए वहाँ पे जो इमरान खान की पार्टी थी तहरीक ए इंसाफ उसको बहुमत मिला और वो वहाँ पे भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो राइटर ये बता रहे हैं कि देखो नवाज शरीफ थे वो एक्चुअली जो वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री थे वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे काम किया। नवाज शरीफ थे वो बेसिकली पंजाब का सॉरी जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पंजाब है उसी तरीके से वहाँ से भी पंजाब है। पंजाब का जो पूर्वी हिस्सा था वो हमारे इंडिया में रहा था और पश्चिमी हिस्सा था वो पाकिस्तान में रहा था, तो वहाँ भी उसको पंजाब नाम से जानते हैं और इंडिया में भी जो है पंजाब उसको पंजाब नाम से जानते हैं बेसिकली। तो जो पंजाब प्रांत है बेसिकली उससे बिलोंग करते थे नवाज शरीफ और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। देखा जाए तो पाकिस्तान के जो और बाकी अदर प्रांत हैं उनसे काफ़ी अच्छा डेवलप है ये जो पंजाब प्रांत है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देख सकते हो, इसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छा है, मतलब काफ़ी सारी डायमेंड ग्रोथ यहाँ पे हुई है, जबकि और जो स्टेट हैं वहाँ के और जो प्रोविंस है वहाँ पे अच्छा काम ढंग से नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो नवाज शरीफ के भाई थे वो यहाँ पे एक्चुअली सीएम ही रहे हैं, तो मतलब देखा जाए एक तरीके से तो नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो पंजाब से बेसिकली बिलोंग है वो करती है। अब यहाँ पे एक अहम बात क्या आती है, अहम बात देखो ये आ रही है कि जब अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे उसमें हमने देखो डिस्कस भी किया था कि वहाँ पे ये आरोप लगाए गए हैं कि देखो एक तरीके से मतलब मनमानी की गई है जुडिशरी के द्वारा और आर्मी के द्वारा और जानबूझ के तहरीक इंसाफ को जिताया गया है। इसके लिए हुआ क्या था, देखो नवाज शरीफ वहाँ पे अच्छा काम कर रहे थे बट उनकी एक्चुअली क्या है वहाँ पे आर्मी वगैरह से थोड़ा इश्यूज वगैरह हो गए थे, आर्मी वगैरह के उन्होंने खिलाफ एक्चुअली कुछ स्टेटमेंट वगैरह ऐसे दे दिए थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसके लिए आर्मी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेररिज्म वगैरह को प्रमोट करिए, ऐसे स्टेटमेंट की वजह से कहीं ना कहीं आर्मी और नवाज शरीफ के बीच में इश्यू क्रिएट हुए। और इसी के बाद में जो पनामा पेपर लीक हुआ था उसके अंदर जब नाम आ गया था नवाज शरीफ का, तो फिर वहाँ की जुडिशरी ने उनको सजा का मतलब एक तरीके से आरोपी करार दे दिया और उनको सजा वगैरह दे दी गई और आज इनके साथ अमानवीय व्यवहार वगैरह किया जा रहा है। तो ये बेसिकली वहाँ जो सीन चल रहा है वो हमने देख लिया कि भाई सीन चल क्या रहा है वहाँ पे, थोड़ा हमें पता तो होना चाहिए बेसिकली। इसी के साथ ही एक पाकिस्तान का एक आर्टिकल और है तो उसको भी हम एक बार यहीं पर देख लेते हैं। वो आया था
नो थाई मेंबर के बारे में। नो थाई मेंबर की बात यहाँ पे ये की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को उसमें फोकस किया गया था, तो उसे भी हम यहाँ पे साथ डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे डिस्कस किया था बेसिकली सार्क को, कि जो सार्क जो ग्रुप बनाया गया है जिसमें 8 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं 8 कंट्रीज वो आप कमेंट बॉक्स में अभी बताना। तो 1985 में सार्क बनाया गया था। अब बनाया क्या गया था, इसके टारगेट क्या थे उस टाइम पे, मतलब कौन से एम रखे गए थे उस टाइम पे। देखो ये सोचा गया था कि एक तो जो लोगों की वेलफेयर है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा आपस में मिलकर, इसके साथ ही लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात की गई थी, डेवलपमेंट पे फोकस है वो करने की बात की थी, और कल्चरल रिलेशन है उनको इंप्रूव किया जाएगा। मतलब काफी सारे डायमेंशन को इंक्लूड किया गया था ताकि सार्क की हेल्प से ये सारे कामों को अंजाम में वो दिया जा सके। बट रेटोरिक करें देखो आज के टाइम पे देखा जाए तो सार्क के अंदर सबसे ज्यादा इश्यू वो इंडिया और पाकिस्तान को लेके है, मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है। इसके लिए काफी अहम देखा जाए तो हम दोनों के कंट्रीज के बीच में ट्रेड का भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट यहां पे आ रहा है। तो राइटर ने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि देखो इंडिया के अंदर चाय बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की चाय वो एक्सपोर्ट होती है, बट उसके बावजूद भी पाकिस्तान इंडिया से चाय नहीं खरीदता। क्यों? वो चाय बस थोड़ा सोवरेनिटी का इशू हो गया इसलिए चाय नहीं कहते। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था जिसमें क्या होता है, जब टमाटर काफ़ी महंगे हो गए थे पाकिस्तान में, उस दौरान भी पाकिस्तान ने इंडिया से टमाटर नहीं खरीदे। उन्होंने कहा था कि चाहे जो भी हो जाए बस इंडिया से टमाटर नहीं खरीदने। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ ये शो करे कि वहाँ के जो लोगों के बीच में नफरत है वो बढ़ाते जा रहे हैं। इसके पीछे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इस चीज़ के पीछे जो अहम जिम्मेदार है ना वो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के नहीं इवन इंडिया के जर्नलिस्ट हो या वहाँ के, दोनों ही जर्नलिस्ट इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये काम होता है जर्नलिस्ट का कि वो एक तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन को बरकरार रखें। और आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के जर्नलिस्ट हैं वो दोनों ही एक दूसरे कंट्री में नहीं जाते हैं और ना ही वहाँ के बारे में ढंग से काम है वो करते हैं। देखो अगर इंडिया को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है पाकिस्तान की तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट के थ्रू नहीं मिलती है, वो मिलती है इंडिया को फॉरेन एजेंसी है, जो वेस्टर्न एजेंसी है उनके द्वारा कि भाई पाकिस्तान में ये हो रहा है, इंडिया के खिलाफ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, वो फॉरेन एजेंसी इंडिया को बताती है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अब राइटर ये कह रहे हैं कि देखो अगर फॉरेन एजेंसी इंडिया को बताएंगी कि भाई पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने इंटरेस्ट को तो सर्व करेंगी ना, मतलब वो अपने डायमेंशन को भी घुसाएंगी। जैसे कि वहाँ पे लगी हुई है तो आग तो उसमें घी डाल के बताएंगी इंडिया को तो कि भाई आपके खिलाफ तो ऐसे ऐसे हो रहा था कि भड़काया जा सके। तो कहीं राइटर ये कह रहे हैं कि तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने बेनिफिट सर्व करवाने के लिए कई बार गलत चीज़ें हमें बता देती हैं और उसके चक्कर में हम हमारे रिलेशन और ज़्यादा खराब हो कर लेते हैं। और सेम वही हालात होता है पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन या कुछ भी चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो फॉरेन कंट्री से पता चलता है और उस दौरान भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का वेस्टर्न कंट्रीज मिसयूज है वो करती हैं। तो राइटर ये कहती हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो गैप है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, रियल में इतना गैप है नहीं जितना ये जर्नलिस्ट वगैरह ये मीडिया वगैरह बढ़ा रही हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, हमें एक न्यूट्रल अप्रोच है वो लेके चलनी चाहिए। हमारा जो मेन मकसद था सार्क बनाने का उस चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए, हमें हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके तरफ ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारी आइडेंटिटी क्या है, इस बेसिस पर हमें काम है वो करना है, हमें इस नफरत के माहौल को कहीं ना कहीं कम करना होगा। देखो अगर इसी तरीके से नफरत बनी रही तो कोई सोल्यूशन तो इससे निकलने वाला है नहीं है, बस सोल्यूशन निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत से। तो बेटर यही है कि दोनों कंट्रीज को हमारे रिलेशन है एक दूसरे को इम्प्रूव है वो करने चाहिए, जो मेन मोटो रखे गए थे उनकी तरफ फोकस करना चाहिए और आपस में जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनकी इंट्री वगैरह होनी चाहिए ताकि ढंग से रिलेशन है उनको मेंटेन किया जा सके। तो ये इस आर्टिकल में बेसिकली पॉइंट है जो यहाँ पे बताए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पे आया है वो है जुडिशियरी के बारे में, इस पर काफ़ी सारे एक्चुअली सोसाइटी के बारे में आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। बेसिकली आपको थोड़ा थीम बताता हूँ इस आर्टिकल में क्या है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो आज के टाइम पे जैसे तरीके से मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं या फिर जैसे रेप केस हो रहे हैं, जिस तरीके से टेररिज्म बढ़ रहा है, इन चीज़ों के प्रति लोगों की थोड़ी डायमेंशन वो नेरो होती जा रही है। लोग ये चाह रहे हैं कि भाई रेप फांसी की सज़ा दे दो। तो राइटर ये कह रहे हैं कि जो ये सोचा जा रहा है जिस तरीके की डायमेंशन आ रही है लोगों से कि फांसी की सज़ा देने से सोल्यूशन हो जाएगा, मृत्युदंड से सोल्यूशन हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मृत्युदंड से आप सोल्यूशन एक लिमिट के बाद नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि देखो यूएसए के अंदर काफ़ी लोगों को मृत्युदंड या फांसी दी जाती है, उसके बाद भी वहाँ पे टेररिज्म कम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इससे क्या है कि नफरत का माहौल और ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों की मेंटेबिलिटी वो सुधारनी होगी। फिर यहाँ पे बात की जाती है कि टेररिज्म है वो, देखो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म है, काफ़ी लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है हर साल, जो आतंकवादी उनको मार दिया जाता है। तो फिर क्या आतंकवादी कम होते हैं? बिल्कुल कम नहीं होते, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रेप के केस आप देख सकते हो, जब से निर्भया रेप केस हुआ था उसके बाद लगातार रेप केसों की संख्या में बढ़ोतरी है। खैर वो अलग बात है कि डाटा रियल सामने आने लगा है, पहले रियल डाटा नहीं था, बट फिर भी हम देखें तो रेप केस में कमी थोड़ी है, बढ़ ही रहे ना कहीं ना कहीं। तो मतलब क्या है, जो आप बात कर रहे हो कि भीड़ कह रही है, आप एक तरह से कह रहे हो कि भाई मृत्युदंड दे दो वो एक सोल्यूशन होगा, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। राइटर एक चीज़ ये बता रहे हैं कि देखो ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, बट जस्टिस जब मिल रहा हो एक तो वो टाइम के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए और इसी के साथ लोगों को दिखना भी चाहिए बाकी लोगों को कि हाँ यार न्याय हो रहा है,
हाँ जैसे किसी इंसान ने गलती की आपने उसको थप्पड़ मार दी तो न्याय थोड़ी हो गया। प्रॉपर रीजन हर चीज़ के पीछे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई इसने ऐसी गलती क्यों की, क्या ऐसे इश्यू थे पहले। हमें सारी चीज़ों को देखते हुए फिर जस्टिस है वो करनी चाहिए और लॉजिकल सोचना चाहिए। हमें इमोशनल डिसीजन नहीं लेने चाहिए। जैसे कि जब निर्भया रेप केस हुआ था उसके बाद इमोशनल कुछ लोगों ने आवाज़ें उठाई कि नहीं भाई जो भी रेप के आरोपी हैं उनको मृत्युदंड देना चाहिए। तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि देखो सजा देना बिल्कुल सही बात है, बट ये जो आप कह रहे हो कि मृत्युदंड देना चाहिए ये कहीं ना कहीं इमोशनल है और इस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं फोकस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इमोशनल डिसीजन लेंगे तो इमोशनल डिसीजन हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं और वो हमारे सेंटीमेंट्स को बात आ जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा पर्सनल ही फायदा दिखता है, ऑल ओवर फायदा हमें नहीं दिखता। इसके बाद में राइटर जो बता रहे हैं कि अभी देखो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी कि डेथ पेनल्टी है वही कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, हमें और तरह के सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की जरूरत है, तभी हम सोसाइटी को आगे लेके जा सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की जरूरत है। इसके साथ ही कई बार देखा जाता है कि कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं वो काफ़ी नेरो आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी सेंसिटिव वर्ड का यूज किया जाता है, तो उस तरफ भी हमें फोकस है वो करना होगा। इससे क्या होता है कि लोगों की मेंटेबिलिटी है वो हर्ट होती है, तो उसको भी हमें फोकस करते हुए चलना है। इसके बाद देखो राइटर बता रहे हैं जस्टिस वर्मा कमेटी की बात बता रहे हैं। देखो जस्टिस वर्मा कमेटी थी जब आपको बताया निर्भया रेप केस हुआ था उसके बाद बेसिकली कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने भी अपनी काफ़ी रिकमेंडेशन दी थी वुमेन सेफ्टी के लिए, काफ़ी सारे स्टेप उठाने की बात की थी और उन बात को इम्प्लीमेंट भी किया गया था। बट उन्होंने इस कमेटी ने भी ये बात कही थी कि रेप के लिए सजा मृत्युदंड देना इनफ नहीं है, मतलब मृत्युदंड देना चाहिए पर रेड एंड रेयरेस्ट केस, मतलब बहुत ही रेयर केस में ही मृत्युदंड पॉसिबल होना चाहिए। हर केस में अगर आप मृत्युदंड दोगे तो इससे सॉल्यूशंस नहीं आने वाला, इससे समस्या और ज़्यादा विकट है वो हो जाएंगी, ये यहाँ पे बताया गया था। इसके बाद में से मैंने आपको बताया कि यूएसए के अंदर टेररिज्म लगातार बढ़ रहा है, वहाँ पे इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर धांधलीबाजी का आरोप लगा था। आतंकवाद आप देख सकते हो इंडिया के अंदर ही लगातार बढ़ रहा है, हर साल कितने आतंकवादियों को सजा दी जाती है, मतलब उनको मारा जाता है, तो क्या आतंकवादी कम हो गए? बिल्कुल कम नहीं हुए। रेप के केसेस वो देख सकते हो। तो इन चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि जो आरोपी या जिस इंसान ने क्राइम किया है उसको मारने से सोल्यूशन नहीं है। हमें उन रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई उस इंसान ने ऐसी एक्टिविटी क्यों की, उस इंसान के दिमाग में ऐसी विचारधारा क्यों आई, उस इंसान के दिमाग में ऐसा आइडिया आया कहाँ से, क्या ऐसे रीजंस थे, क्या ऐसा माहौल बना, कहाँ से उसको ऐसा माहौल मिला कि जिसकी वजह से उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट है वो आए। मतलब हमें यहाँ पे फोकस करना होगा लोगों की विचारधारा के प्रति, लोगों की आइडियोलॉजी के प्रति कि भाई लोगों की आइडियोलॉजी वो इतनी गंदी बोल सकते हो आप, इतनी संकीर्ण क्यों हो रही है। हमें लोगों की मानसिकता है, मेंटेबिलिटी है, उसको चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे जिस तरीके से कहते हैं ना कि टेररिस्ट है वो कोई बड़ी बात नहीं है, टेररिज्म को हमें खत्म करना होगा। टेररिस्ट को तो क्या खत्म करोगे, एक टेररिस्ट मारा दूसरा पैदा हो जाएगा, दूसरे को मारोगे तीसरा पैदा हो जाएगा। तो हमें जो उनकी मेंटेबिलिटी है ना टेररिज्म वाली कि वो लोग आतंकवादी क्यों बन रहे हैं, हमें उस मानसिकता को तोड़ना होगा कहीं ना कहीं, तभी हम सही विजय वो पा सकते हैं, मतलब तभी हमें सफलता हासिल है वो या सफलता पा सकते हैं। लोगों की जब तक हम मेंटेबिलिटी नहीं करेंगे, हम जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि लोगों के दिमाग में ऐसे आइडिया क्यों आ रहे हैं, रेप जैसे आइडिया क्यों लोग एक दूसरे को प्रति मार रहे हैं, क्यों लोग हैं वो मॉब लिंचिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तब तक हम सोल्यूशन नहीं लेके आ सकते। मतलब हमें कहीं ना कहीं लोगों की मेंटेबिलिटी ना उसके ऊपर काम है वो करना होगा, लोगों की मेंटेबिलिटी चेंज करनी होगी ताकि लोगों के दिमाग में रेप जैसे आइडिया वो आए ही नहीं, लोगों के दिमाग में टेररिज्म जैसी बात आए ही नहीं, इस चीज़ की तरफ हमें फोकस है वो करना होगा। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो वुमेन एम्पावरमेंट का यहाँ पे पॉइंट है वो दिया गया, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आप इसका यहाँ नोट डाउन कर सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट की बात है कि हमारी सोसाइटी में वुमेन को काफ़ी अलग थलग रखा जाता है। ऐसा क्यों, क्यों हम इस तरह की विचारधारा को लेकर आज भी जी रहे हैं? पुराने टाइम पर देखो हम कह सकते हैं कि यार हमारे पास एजुकेशन नहीं थी, हम लिटरेट नहीं थे, अंग्रेजों ने हमें गलत पढ़ाया, जो भी था, बट आज के टाइम पर तो हमारे पास सब कुछ है। आज के टाइम पर हमारे पास इंटरनेट है, एवरीथिंग हमारे पास प्रोवाइड हमें मिला हुआ है, तो फिर हम क्यों इतना पीछे हैं, हम क्यों वुमेन को एक तरीके से मतलब डिस्क्रिमिनेट है वो करते हैं? कहीं ना कहीं हमारी मेंटेबिलिटी है, उस मेंटेबिलिटी को हमें चेंज करना होगा। हमें रीजंस आइडेंटिफाई करने होंगे कि यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वुमेन को हम आइसोलेट करें, वुमेन को हम एक तरीके से सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेट करें। से आप यहाँ पे ले सकते हो सबरीमाला टेम्पल का एग्जाम्पल कि सबरीमाला टेम्पल में भी वुमेन को एंट्री नहीं जा रही, क्यों ऐसा, क्यों हमारी आइडियोलॉजी या हमारी मेंटेबिलिटी ऐसी हो गई कि यार वुमेन को एंट्री नहीं देनी, हमारे दिमाग में ऐसा थॉट आए क्यों? मतलब कहीं ना कहीं ये कि हमारी जो थिंकिंग है या आप बोल सको कि हमारी जो विचारधारा ना इसको हमें चेंज करने की जरूरत है और इसके तौर पर हमें काम है वो करना होगा। मृत्युदंड वगैरह से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इससे क्या होता है, मृत्युदंड जैसी चीज़ों से हमारी सोसाइटी का माहौल और ज़्यादा बिगड़ता है, लोगों के अंदर एक तरीके से जिस आप एक बार न्यूट्रल होकर सोचिए कि जिस परिवार की जिस या परिवार के अंदर बंदे को फांसी की सजा दी गई है, मृत्युदंड दिया गया है, वहाँ पर उसका क्या होगा, उसकी फैमिली पे क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाले हैं? हो सकता है कि वहाँ पे एकमात्र रोजगार वाला हो तो उस फैमिली के बाकी कैसी हेल्प की जाएगी? तो आप सारी डायमेंशन को देख के चलिएगा ना, ये यहाँ पे बताया गया। काफी अच्छे पॉइंट है इस आर्टिकल में, तो प्लीज आप आर्टिकल के पॉइंट है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया यूएसए और ईरान रिलेशन के बारे में, तो इस आर्टिकल में देख लेते हैं। बेसिकली देखो इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि इंडिया और यूएसए की जो रिलेशन है, सॉरी
बेसिकली यूएसए और ईरान के डायमेंशन है वो थोड़ी यहाँ पे बताई गई है। इसमें कहा है कि इंडिया और ईरान के रिलेशन है बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया रिलेशन है, वो चल रहे हैं बहुत पहले से रिलेशनों में, काफी अच्छी तरक्की है वो अभी रही है। और अभी देखा जाए तो इंडिया वहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में सेकेंड नंबर पे ऑयल है वो प्रोड्यूस है वो कर रहा है, ये सारे मामले हमने न्यूज में देखे। इंडिया और ईरान की बात करें तो इंडिया और ईरान के कल्चर रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, इंडिया वहाँ से ऑयल ही इम्पोर्ट नहीं कर रहा है, ऑयल के साथ साथ वहाँ पे पारसी जो रिलीजन है धर्म है वो भी ईरान से कहीं ना कहीं इंडिया में है। इसके साथ बात करें डेवलपमेंट के एरिया में भी दोनों कंट्री साथ हैं। अगर हम बात करें अफगान के साथ कनेक्टिविटी या अफगान के साथ हमारी पॉलिसी हो तो उस पॉलिसी के लिए आपको पता है कि ईरान की लोकेशन बहुत अहम हो जाती है। मतलब देखा जाए तो इंडिया और ईरान के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं है कि दोनों कंट्रीज केवल ऑयल के लिए रिलेशन बना के रखती हैं। ईरान है वो इंडिया से काफ़ी बड़ी मात्रा में राइस है वो मतलब एक तरह से इंपोर्ट करता है और इंडिया वहाँ से ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। मतलब इंडिया ईरान की फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और इंडिया की सिक्योरिटी इंडिया के लिए ईरान है वो यहाँ पे ऑयल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। बात करें हम एशिया के साथ कनेक्टिविटी अगर हमें किन्नो सेंट्रल एशिया के साथ तो भी ईरान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बात करें इंडिया का बायोफार्मा सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वहाँ पे एक्सपोर्ट है वो करता है चीज़ें। इसके साथ अफगान पॉलिसी देख सकते हैं कि चाबहार पोर्ट के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी है वो एस्टैब्लिश है वो की गई है। इसके साथ हम बात करें तो इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि मुंबई से मॉस्को, मॉस्को आपको बता रशिया की कैपिटल है, वहाँ तक कनेक्टिविटी के लिए भी जो रास्ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं चाबहार पोर्ट से होते हुए जा रहा है। तो मतलब बात एक तरीके से हम कहें सीधी सीधी तो इंडिया और ईरान की रिलेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कंट्रीज को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों ही कंट्रीज एक साथ मिलकर अच्छी आ रही हैं। बट यहाँ पे बात की गई है यूएसए की कि यूएसए ये चाहता है कि भाई ईरान के ऊपर उन्होंने न्यूक्लियर डील है वो कैंसिल कर दिया है, इसलिए इंडिया है वो भी ईरान के साथ अपने रिलेशन खत्म कर दें और इंडिया ये इंडिया है वो भी ईरान से कुछ नहीं खरीदे। पर राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया ने पास्ट में बहुत गलतियां की हैं, इस बार इंडिया का डिसीजन या इस बार इंडिया ने निर्णय ये लिया कि भाई वो अपने डिसीजनों खुद लेगा, बाकी जो बात करें यूएसए की तो यूएसए के दबाव में यहाँ पे कोई भी काम इंडिया नहीं करने वाला है, यहाँ पे बेसिकली पॉइंट है वो बताया गया है। क्योंकि देखो यूएसए का जो सेंक्शन का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं यूएसए की खुद के फायदे को सर्व करता है और हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए देखा जाए तो सबसे अहम है वो ईरान इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम ईरान के साथ रिलेशन वो बिगाड़ नहीं सकते। 1979 से पहले हमने यूएसए का सपोर्ट किया था, उस टाइम पे हमने गलती कर दी थी तो वो गलती आज हम फिर नहीं करना चाहते, इसीलिए हम यूएसए के द्वारा जो सेंक्शन की बात की जा रही है हम एक सोवरेन कंट्री होने के नाते हम हमारे डिसीजन खुद लेने वाले हैं और हम यूएसए की बातों को यहाँ पे नहीं मानने वाले चाहे बाकी यूएसए की जो भी हो। तो ये बात बेसिकली इस आर्टिकल में यहाँ पे बताई गई है। तो ये दो चार पॉइंट्स थे यूएसए के एंगल जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किया है। तो ये थी कंप्लीट हमारी आर्टिकल, जो सैटरडे की डिस्कशन हमारी रह गई है तो उसमें एक्चुअली दो आर्टिकल आए थे, दोनों में इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं थे बट वो हम कल या परसों की डिस्कशन में उनको ऐड है वो कर लेंगे या फिर हम कल की जो प्रीलिम्स अपडेटर की वीडियो आएगी वहाँ पे उनको डिस्कस वो कर लेंगे। ज़्यादा तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नहीं थे बट फिर भी हम उनको एक बार कवर है वो कर लेंगे। तो फिलहाल की डिस्कशन में गाइस इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।